डिलिमिटेशन कमीशन की जो फाइनल प्रक्रिया थी वो पिछले साल पूरी हो चुकी है। इसी हवाले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि डिलिमिटेशन कमीशन के अगेंस्ट जो कोर्ट में यानी सुप्रीम कोर्ट में प्ली दायर की गई थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये प्ली जो है वो किसने दायर की थी। प्ली दायर करने वाले कश्मीर के थे हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब भट्ट। उनकी याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि अभी जिस तरह से आपने देखा कि डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर पिछले साल बहुत विवाद चल रहा था, कहा जा रहा था कि डिलिमिटेशन कमीशन में कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं। डिलिमिटेशन कमीशन करनी क्यों पड़ी? जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद आपने देखा कि जम्मू कश्मीर एक अलग यूटी हो गया और लद्दाख को अलग कर दिया गया, उसी से तब्दीली हुई रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की। उसके बाद अब ये याचिका दायर की गई कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट में यानी कुछ कमियां हैं और डिलिमिटेशन क्यों करवाया गया था ताकि जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में चुनाव हो सके। लेकिन विडंबना ये रही कि अभी तक चुनावों की शक्ल भी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने नहीं देखी। उसके ऊपर जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो आप देख ही रहे हैं। अब बता दें, ये जो प्ली दायर की गई थी हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब भट्ट के द्वारा, आज उसे खारिज कर दिया गया है और ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर परिसीमन को चुनौती देते हुए हम रद्द करने की मांग की थी और ये कहा गया था कि 2026 से पहले आप परिसीमन जो है वो नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर बाकी राज्यों की बात की जाए वहां पर इलेक्शन कमीशन ने ही परिसीमन किए हैं, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन करवाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो इसीलिए करवाई गई थी जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद, ताकि कुछ सीटों को बढ़ाया जा सके, जम्मू और कश्मीर बराबरी पर आ सके। हमेशा आपने देखा कि यही सुनने को मिला है कि कश्मीर को ज्यादा मिला और जम्मू को कम मिला। कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन कमीशन आया, उसने विजिट किया जम्मू में भी और कश्मीर में भी, वहां के लोगों के साथ मिला और परिसीमन की जिस तरह से सीटों को बढ़ाया गया, वादी कश्मीर भी गया और जम्मू भी गया, अलग अलग डेलीगेशन मिले, उनकी बात सुनी। फिर एक रिपोर्ट आई कि डिलिमिटेशन कमीशन में कमियां हैं, फिर एक कमीशन सेट किया गया जो जम्मू में सर्किट हाउस में बैठा और जिसने उन कमियों पेशियों को सुना और सोचा कि डिलिमिटेशन कमीशन को जो है वो थोड़ा पूर्ण किया जाए। लेकिन इसी बीच अब नई खबर आई है कि इन दोनों ने जो प्ली दायर की थी उसे कोर्ट ने जो है वो खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वो कोर्ट है जहां पर उन्होंने अपनी प्ली लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जिस तरह से बात करते हैं कोई भी कोर्ट नहीं है। अब ये फैसला जस्टिस अभय एस ओका ने सुनाया है कि परिसीमन के खिलाफ दाखिल की गई इन याचिकाओं में कहा गया है कि परिसीमन सही प्रक्रिया से नहीं हुआ है, जबकि अपने जवाब में केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन और चुनाव आयोग ने इन दलीलों को गलत बताया था। और साफ तौर पर आपको ये बता दें कि उस प्ली में ये लिखा ही नहीं गया है। साफ तौर पर उन जस्टिस के बेंच का कहना है कि 2019 जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो सही है या गलत है। साफ तौर पर उनका बस यही कहना है कि इस प्ली में 2026 से पहले जो डिलिमिटेशन कमीशन हुई थी वो हो ही नहीं सकती। आगे उनका ये कहना है, याचिकाताओं ने जो दलील दी थी वो ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा की जो सीटें थी उन्हें बढ़ाया गया और जिस तरह से जम्मू की ओर आते हैं तो उन्हें कम बढ़ाया गया। अब वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बताइए कि जिस तरह से ये बेंच बैठा है और उसने आज इसको जो है वो प्ली को खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे बिल्कुल डिसमिस करते हुए ये कहा है कि जैसे हो रहा है, जैसे डिलिमिटेशन कमीशन हुई है वैसे ही होगी। और साथ में बता दें, चाहे असेंबली है चाहे लोकसभा है, वहां पर डिलिमिटेशन कमीशन का मुद्दा भी रखा गया है और कोर्ट ने अब आज इसे डिसमिस करते हुए ये कहा है कि जैसे चल रहा है ये वैसे ही चलेगा। हाजिर अब्दुल गनी और मोहम्मद अयूब भट्ट जो है वो श्रीनगर से थी, जिन्होंने पिटीशन दायर की थी और रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है उन्होंने ये कहा था कि 2026 तक ये हो ही नहीं सकता है, अगर बाकी देशों की ओर जाएं, बाकी राज्यों की ओर जाएं तो उनके लिए भी होना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो है इलेक्शन कमीशन ने किया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वहां पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। अब आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, क्या आने वाले समय में इलेक्शंस जो है वो होंगे या अभी इलेक्शंस में जो है वो डिले करवाया जाएगा, क्योंकि जो डिलिमिटेशन की प्ली दायर की गई थी वही अभी रोक के रखती थी कि क्या जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो या ना हो। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि इस तरह से जो है प्ली को आप वापस ले लें, क्योंकि उन्होंने खारिज कर दी है और उन्होंने ये कहा है कि इसमें जो तर्क रखना था वही आपने सही नहीं रखा है और इसमें सिर्फ आपने यही रखा है कि 2026 से पहले डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जो है वो हो ही नहीं सकती थी।
उन्होंने साफ तौर पर अपनी जो है यहाँ पर पूरी बात रख दी है और आज सुप्रीम कोर्ट से जिन्होंने याचिका दायर की थी उन्हें भी फटकार लगी है। आने वाला समय बताएगा कि किस वक्त में इलेक्शंस हो पाएंगे।